तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट से उठी हूँ। और सबसे पहले उठकर मैंने डस्टबिन बाहर निकाल दिया है और यहाँ पर मेरी पुचकुस खेल रही है और वहाँ पर मेरा पुचका वो भी खेल रहा है। तो चलो, नहीं बेटा वो रख दो, आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। तो दो दो लाओ दो। तो सुबह मेरा कुछ ऐसा ही रहता है और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी नाइट वाली। सो यहाँ पर अभी 2 शिफ्ट चलता है मुंबई में, वो भी 12-12 घंटे की ड्यूटी रहती है और 2 घंटा जाने में 2 घंटा आने में लग जाता है। मतलब कि ऑल टोटल 16 घंटे ये घर से बाहर रहते हैं और 16 घंटे मुझे अकेले खुद को, दोनों बच्चों को संभालना पड़ता है, साथ में इनका टिफ़िन खाना नाश्ता सब मुझे ही करना पड़ता है। सो अभी आने वाले हैं, 10 बजे के बाद ही आएंगे क्योंकि 8 से 8 ड्यूटी रहती है। सुबह 8 बजे अगर डे शिफ्ट रहेगी तो 8 बजे से सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक ड्यूटी रहती है। अगर नाइट शिफ्ट रहेगी तो रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी रहेगी और उसके 2 घंटा पहले निकलना पड़ता है और आएंगे भी तो 2 घंटे बाद आएंगे। तो ये था शिफ्ट उनका टोटल। तो अभी 8 बजे छुट्टी होगी, अभी ड्यूटी ख़त्म होगी तो उनको आते आते 10 बज जाते हैं, कभी कभी 10:30 बज जाते हैं। और अगर ट्रैफिक मिल गया तो फिर भूल जाओ, 12 बजे के पहले नहीं आने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, फटाक से नाश्ता बना लेते हैं और झाड़ू वगैरह भी लगाना है। तब तक मैं अपने बेटे को कुछ दे दूँ। तो ये है मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन। तो वो भी आएंगे, उनको मैंने टिफ़िन दे दिया था रात में खाना खाने के लिए। और चलो बेटे को कुछ दे दो पहले खाने के लिए। दिखाएंगे हेलो करो अद्दू, इधर हेलो करो सबको, हेलो मैंने उसे बस 2 बिस्किट दिए हैं, उसको मैंने किशमिश दे दिया था, वो सुबह उठ के किशमिश खाता है, मखाना खाता है, तो कभी खाता है कभी फेंक देता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो मखाना नहीं दी, उसको किशमिश दे दी। तो मैं अभी बनाने वाली हूँ लौकी, क्योंकि लौकी काफ़ी पड़ा हुआ है, 3 लौकी पड़े हुए हैं और इतने प्यारे प्यारे, इतने छोटे छोटे लौकी है ना कि क्या मैं बताऊँ। देख रहे हो, कुछ नहीं, लौकी की भाजी बनाऊंगी बिल्कुल सिंपल तरीके से। और ये तो काफ़ी लगते हैं, काफ़ी पुराना है, ये बनाते नहीं है, बस सब्जी ला ला के रख देते हैं। सो चलो, मुझे हस्बैंड को कॉल करना है दूध लाने के लिए। तो यहाँ पर अभी आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ना उन्हीं को हुआ है ना मुझे हुआ है, तो दूध वाला ग्वाला वाला दूध के लिए भी बोलना पड़ेगा, उसके लिए खोजना पड़ेगा। तब तक पैकेट वाले दूध से ही काम चलता है। तो चलो, तो सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है 9 बजे से। किसी दिन ये घर में रहते हैं, किसी दिन नहीं रहते हैं, तो आज घर पर नहीं है अभी और आज नाइट ड्यूटी करके आएंगे। तो आज उनकी होगी नाइट रेस्ट, मतलब कि नाइट में रेस्ट होगा, उसके बाद कल सुबह ड्यूटी होगा, मतलब कल डे शिफ्ट हो जाएगा इनका। तो चलो फटाक से बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे क्या, एक ही बेटा खाएगा, एक का तो ऐसे ही पेट भरता है। तो चलो जल्दी से बना लेते हैं, तब तक बच्चे वहाँ के पीछे खेल रहे हैं। और देख लो मेरा पीछे किचन का सेटअप देख लो, सारा मेरा हस्बैंड का काम है, क्योंकि हम तो थे नहीं, जैसे तैसे वही जो हो पाया उनसे उन्होंने वो किया। किसे पसीना पसीना हो, पंखा बंद किया ना, ठंडा लग रहा है दोनों को।
दूध। ये अमूल का लाते हैं या गोवर्धन लाते हैं? अमूल का। सो अंदर में मैंने झाड़ू लगा दिया है और अब चलते हैं बाहर। दरवाजे के सामने तक झाड़ू लगा देती हूँ। चलो ऑटो। सो मेरी यहाँ पर सब्जी बन चुकी है और मैं यहाँ पर फटाफट से रोटी लगा दे रही हूँ। एक्चुअली ये तवा बहुत ज़्यादा पतला होता है, जलने का डर होता है। ये बोल रहे हैं दो रोटी खाएंगे नाइट ड्यूटी करके आके, तभी भी नींद नहीं आ रही क्योंकि उनको इन लोगों को दो घंटे शायद रेस्ट मिल जाता है। तो चलो फटाफट से रोटी बना लेते हैं। फिर मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया है, झाड़ू मैंने लगा दिया घर में बाहर भी। बेटा भी खाएगा मेरा, बस वो रोना चालू हो गया उसका। इतना देर से कोऑपरेट करती है, खेल रही थी, सुबह उठ के अच्छे से खेलती है। अभी वो भूख लग गया होगा, उसको मालिश करना है फिर सो जाएगी। तो यहाँ पे पापा का जब सरकार का ड्यूटी हो गया, अब बेटी का ड्यूटी में लग गया। और ये लाई दीजिए, मेरे को ब्रश भी कर रहा है गोमा कतोला। तो ये मेरी दिन की पहली चाय, और चाय के बिना तो डे स्टार्ट होता ही नहीं है। और यहाँ पर तो फाइनली अभी यहाँ पर एक कार्टून खुला और इसमें बच्चों का जो छोटे कपड़े हैं और या फिर जो ठंडे के कपड़े हैं वो सब निकले हैं। और इसको तो मज़े हैं, इसको तो खजाना दिख रहा है। अब देखो इसको पता है कि ये सॉक्स है, ये इसको पैर देखिए ना क्या कर रहा है, सॉक्स उसको पैर में पहना रहा है। तुमको ज्यादा पता है दू? वो खोल के फेंक देगी, नहीं आएगा, लूज है सॉक्स, गंदा हो गया है। बेटा को नया नया पहनाइएगा, बेटी को पुरान। बच्चा का कपड़ा थोड़ी फेंका जाता है, घर जाती तो वो वाला पहनती ना, घर ठंडा है, अभी तो जाने ही नहीं है घर हम लोग। अच्छी जी शंकर जी ठाकुर जी बाब। ये तो अद्दू का, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, ये वाला अद्दू का हमेशा जब भी ज्यादातर फोटो में यही पहना होगा क्योंकि ये हमेशा बैग में रहता था। कहीं पे भी ठंडी लगे, हैदराबाद में वैसा कुछ खास ठंडा था रहता नहीं था, लेकिन अगर कहीं बाहर जाते थे तो ठंडा रहता था रात के टाइम में, शाम के टाइम में, तब हमेशा उसको वही कैरी करके जाते थे, वो बैग में ही पड़ा रहता था। डूब जाएगी, ये सब लूज हो गया है, इसको तो अद्दू के टाइम में डिस्कार्ड कर दिए थे। यही सब खोज रहे थे, धोधा के हम रख दिए थे, गिरेगा, सोचे कि डिलीवरी के आसपास निकालेंगे। अरे बेटा रुक, चाय है। ये सब ऊनी कपड़ा यहाँ पे निकालने का कोई फायदा है? सब धो के रख दिए थे ना, सोचे कि डिलीवरी के टाइम पे निकालेंगे। डिलीवरी के टाइम पे निकालने का सोचे और डिलीवरी हो गया पहले ही। लड़का का है, इसमें टी शर्ट था, पैंट था। चलो मालिश कर दे, मालिश होगा। चलो फटाफट से उसका मालिश करते, वो सब हटा दीजिए, डिसकलर हो गया। शो मेली गुगलू की मालिश हो गई है, हो गई है भाई, मालिश हो गई है। और यहाँ पे मेला मुगलू मुगलू तो चलो अभी एक नैप ले लेगी, फिर उसके बाद उठेगी तो थोड़ा देर के बाद मैं इसको नहला दूंगी। तो चलो तब तक खाना वगैरह बना लेते हैं, पोछा भी लगाना है आज। अद्दू नहीं बेटा, चलो। सो यहाँ पर मेरा दूसरा कप ऑफ टी रेडी हो रहा है और यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिया है और ये मेरा बन रहा है चिकन करी। ये हमने मंगाया था लिशियस से, एक्चुअली कल नहीं परसों तरसों पापा आए थे, मतलब पापा जाने वाले थे, तो छठ पूजा और दिवाली की वजह से हम नहीं खा रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो मंगा लेते, और इनकी ड्यूटी थी
तो मैं सोची कि चलो एक बार मंगा के देखते हैं, ऑनलाइन भी ट्राई, हमेशा कुछ न्यू ट्राई करते रहना चाहिए। तो मैंने ऑनलाइन मंगाया और अच्छा था चिकन, ऐसा नहीं था कि ख़राब था, ऑनलाइन है तो ख़राब है, तो अच्छा था। तो आज भी इनकी ड्यूटी की, तो इन्होंने बोला कि चलो मंगा लेते हैं, तो चिकन मंगाया और देखते हैं आज कैसा बनता है। यहाँ पर मेरा चाय, ये चावल मैंने बना दिया है, चावल मतलब कि ऐसे थोड़ा सा पुलाव टाइप का। इनको अभी काफ़ी दिन से घर का खाना टाइप नहीं मिला है, तो चलो स्पेशल बना ही देते हैं, इन्हीं का डिमांड था। मेरा चाय रेडी है, वहाँ पे उस रूम में दोनों बाप बेटी सो रहे हैं, और यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, और यहाँ पर अड्डू खा लो ला। इसकी सर्दी हो रखी है, इसकी वजह से मैं कितने दिन से नहीं दे रही थी। थोड़ा सा इसको टीवी भी देखना ज़रूरी है, वरना इसका टाइम पास नहीं होता है। अभी आज से इसको लेके जाना है बाहर, लो बेटा छिलके खा लो। चलो मैं इसको छिलके दे देती हूँ। सो अभी चाय वगैरह पी के मेरे को पोछा लगाना है, खाना तो बन गया, बच्चों को नहलाना है, अभी तुरंत मैडम उठ जाएंगी तो उनको नहलाना होगा, बेटे को भी नहलाना है। शायद उठ गई है, दोनों बाप बेटी खेल रहे हैं। तो here we go, my second cup of tea of the day। तो मैं अभी यहाँ पर पोछा लेके बैठी हूँ, मतलब बैठी क्या हूँ, पोछा लगाने के लिए हूँ, और उससे पहले मैं बेटे का टीवी लगा दूँ, वरना ये मुझे लगाने नहीं देगा। और वहाँ पर ये भी टीवी देखती है, ये भी बहुत बदमाश हो गई है। और वो रूम में मैंने लगा दिया पहले ही, क्योंकि हस्बैंड अभी सोएंगे, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, और अभी टाइम देखो कितना हो रहा है। हाँ, इसका मैं फटाक से कार्टून लगा दूँ, अभी ये सब भी अरेंज करना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो चलो इसका पहले कार्टून लगा दूँ, उसके बाद ये हॉल बचा है, और ये किचन का ये थोड़ा सा बचा है बस। मेरा यहाँ पे सारा काम खत्म करते करते बच गए हैं 1.5 से ज्यादा हो गया, और अभी मैं यहाँ पर अपने लिए रोटी बना रही हूँ क्योंकि चावल कम था, और दोनों बच्चे नहा लिए। सो मैं अभी यहाँ पर रोटी बना रही हूँ क्योंकि चावल कम हो गया, चिकन बना था तो इसी वजह से चावल कम हो गया, और वो थोड़ा सा हो जाएगा, और बेटा भी अभी खाने को है तो मैं अपने लिए एक रोटी बड़ा सा ही बना ले रही हूँ, क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है अब। संडे के दिन काम का तो, और इनकी अगर ये घर में रहते हैं तो फिर पता नहीं कहाँ से इतना काम हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है। ऐसे मैं अपना आस्ते आस्ते अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, और ये तवा भी बिल्कुल पतला है तो इसी वजह से रोटी भी जलने लगता है। अभी बर्तन भी पड़े हुए, बर्तन भी धोना है, सारा काम करना है। अभी मैं खुद नहीं नहाई हूँ, बच्चों को नहलाते, पोछे लगाते, खाते खिलाते पिलाते ही टाइम निकल जाते हैं। देखते हैं मैं कब नहाती हूँ। और मेरा एक बंदर यहाँ पर है, कपड़े भी धुले हुए हैं, इसको डालना है, और ये मेरे लिए छोना मोना यहाँ है, ये भी अपना खेलते खेलते सो गई है, इसको भी मैंने नहला दिया है, इसको भी मैंने नहला दिया है। अब चलो खाना खाते हैं, मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचा है, अब मैं शाम को ही नहाऊंगी, अभी इनके नाखून भी काटने हैं। सो अभी शाम के क्या, रात के 8 बज चुके हैं, और हम गए हुए थे थोड़ा सा नीचे ऐसे बच्चों को घुमाने के लिए, और अभी एक सो गई है और एक जगह हुआ है, देखो उसको बस गेट खुलने का देरी है, बस भागने लगता है। तो चलो अभी मैं एक कप चाय और बनाती हूँ, हमारा शाम का चाय वगैरह सब हो चुका था, अभी मैं एक कप चाय और बनाऊँगी, मतलब एक बार और बनाऊँगी दोनों आदमी के लिए, फिर उसके बाद खाने का भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। देखो अभी 8 बज रहे हैं,
तो मेरा यहाँ पे खाना बन रहा है, दाल बन चुका है, सब्जी बन रही है, यहाँ पर आटा है और यहाँ पर लड्डू है। खा रहे हैं आप तो से पापा मैच देख रहे हैं अभी, ऐसे ही जो सारे आदमी का यही काम होता है। और यहाँ पर देखो कोई जग गया है, कोई कुकलू पुकलू जग गया है। हाँ निनी खुल गया है बेटू का। तो क्या देख रहा था छुनू, तो का देख लई थी गा मम्मा। यहाँ पर इसके पापा ने ऐसा डेकोरेशन कर रखा है ना, तो ये अच्छे से देखती है, गौर से देखती है। को बेटा पापा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। और देखो मैंने कहाँ से लाया था, ये कहाँ आ गई, कभी ऊपर चली जाती है, कभी टेढ़ा हो जाती है, कभी क्या। तू बुमाच बेटू, तू बोली बुमाच चोना, तू बुमाच बीता है। हाँ हाँ ये पापा उड़ाए थे। हाँ तो तू कैसे ओढ़ लिया। हाँ हाँ चोना, ये खाने वाला चीज थोड़ी है, ये खाने वाला चीज थोड़ी है। तो चलो अभी थोड़ा सा इसको खेलने देते हैं। मैंने सब्जी चढ़ाया है, सब्जी देख लेती हूँ क्योंकि कल सुबह जल्दी मुझे जगना होगा, 4 बजे खाना बनाना होगा। इनकी है कल डे शिफ्ट, पापा का डे शिफ्ट है। हाँ गे हाँ गे मेला सब्जी जल जाएगा। हाँ हाँ तो यहाँ पर मेरा किचन वगैरह सारा साफ हो गया, बर्तन भी मैंने धो दिया। सो मेरा आज का वीडियो यही था, 9 AM to 9 PM। और अभी हो रहे होंगे क्या, अभी हो रहे हैं 10:15। और दोनों बच्चों को मैंने रूम में सोने के लिए छोड़ा है। एक तो सो रही है, मतलब सो ही जाएगी, और एक अभी रो रहा है मेरे लिए कि मम्मा तुम भी। सो आई होप आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर दीजिएगा।